दोस्तों, मैं सुनील कुमार, मैं अपने YouTube चैनल रांची स्टूडियो में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो टॉपिक है वो मेरे पास है आइडिया और वोडाफोन से रिलेटेड सिम के बारे में है, जो कि आज भी लोग हैं जो छोटे हैंडसेट कीपैड फ़ोन में लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इनका कभी कभी किसी का टावर नहीं आ रहा है, इंस्टेंट सिम लिख रहा है या फिर इमरजेंसी कॉल लिख रहा है, तो इस कंडीशन मुझे क्या करना है, मैं उसके बारे में आपको जानकारियाँ देने वाला हूँ। दोस्तों, तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के सेटिंग अंदर जाना है। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा नेटवर्क सर्च का, नेटवर्क सेटिंग। इसके बाद आपके जो सिम लगा हुआ है उसे सेलेक्ट करिएगा। वन में लगा तो वन में करना है, या तो फिर टू में लगा तो सिम स्लॉट टू में करना है। उसके बाद ये आपको ऑटोमेटिक नहीं करना है, इसमें आपको मैनुअल सेटिंग करना होगा। मैनुअल सेटिंग करने के बाद ओके करिएगा, फिर इसको सर्च करिएगा। आप सर्चिंग जैसे ही ख़त्म होगा तो वैसे ही आपके इस फ़ोन पर आइडिया या फिर वोडाफोन लिखा हुआ आएगा, तो जो भी आएगा आइडिया फ़ोन, आइडिया या फिर वोडाफोन, उसे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो सेलेक्ट करने के बाद आपके फ़ोन में जो नेटवर्क गायब है वो आपके पास आपके पास स्क्रीन में दिखने लगेगा। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि आइडिया और वोडाफोन नेटवर्क के सिम को यूज़ करने लगे जो भी परेशान है उसे इस वीडियो से मदद मिलेगा। इस अगर आपको ये वीडियो पसंद पड़ा है तो दोस्त लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।